हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं आ गया हूं लेकर के एक ट्वेल्थ का एक और शानदार सेशन जहां हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स। और आज के हमारे फिजिक्स का टॉपिक है जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस ये बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में लास्ट में उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, कैसे हम किसी भी, जैसे आप लोग जानते हैं क्या कि आपको बहुत सारे उपकरण होते हैं जो विद्युतीय उपकरण होते हैं, देखे होंगे आपने विद्युतीय उपकरण, जैसे आपको इसमें लगा होता है, किसमें, आपको रेडियो वगैरह में है ना, टीवी में, ये सब में आपको जो विद्युतीय उपकरण लगे होते हैं, तो एक प्लेट जैसा आपने देखा होगा कि एक छोटा सा प्लेट लगा होता है, इसमें छोटे 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 ऐसे करके बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपके ये बने होते हैं, ये आपको ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना, छोटे से ऐसे कुछ लगे होते हैं, है ना, और उसको चिपकाया गया रहता है ऐसे खड़ा करके या फिर ये ऐसे बेंड करके, ठीक है ना, उसको उसमें ज्वाइंट किया गया रहता है। और उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपका अगर आपके पास होगा तो उसपे बैंड बनाए गए रहते हैं, छोटे छोटे हरे पीले नीले रंगीन जैसे दिखते हैं, कलर वाइज दिखते हैं। तो उसको क्यों बनाया जाता है, उन छोटे हिस्से पे उस पर लिख पाना कि उसका प्रतिरोध का मान कितना होता है ना, बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी के लिए क्या बनाया रहता है, इसमें आपको बैंड बनाया रहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको सुबह डेली आपको मिलता हूँ प्रीमायर क्लास के अंदर में लाइव, और आप लाइव मेरे साथ जुड़कर 8 बजे मॉर्निंग में आप मेरे से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप सुबह 8 बजे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर में। तो चलें, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बातें कर लेते हैं आपको कि मेरे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स की क्लासेस डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं आपको बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल तक का फिजिक्स जहाँ तक या फिर मैथमेटिक्स, और उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको सॉल्यूशन जैसे कि आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में आपको बेहतरीन अंदाज में टॉपिक मिलेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर 20-22 के आसपास हो गया है। अगर आप मेरे पास चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन लेक्चर को देख लें जाके, ताकि आपको समझ में आए कि कैसी क्लासेस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चीज़ का। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, कमजोर है, तो आप 11th का सेक्शन जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जहां से आपको 11th के बेसिक मैथमेटिक्स का आपको ज्ञान हो जाएगा, ताकि आपको जो भी डाउट्स आते हैं, आपको दिक्कत होती है, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोडिंग को। ठीक है, हमने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस यानी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, टॉपिक का नाम है हमारा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कार्बन प्रतिरोध जो है क्या होता है। आप जैसे जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर तापमान बढ़ाते हैं किसी भी वायर का, किसी भी चालक का, तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, आपने पढ़ रखा है तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है ना, अलग अलग कंडीशन में आपको बेसिकली क्या होता है, चालक के अंदर में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, है ना। और आपको सेमीकंडक्टर जो होता है जिसको अर्धचालक बोलते हैं, उसमें तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये सब आपने पहले पीछे की क्लास में पढ़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे, उससे पहले एक और चीज जान ले थोड़ा सा। जैसे आप सुनते हैं कि आप हीटर वगैरह का नाम सुना होगा आपने, हीटर है ना, विद्युत हीटर है ना, विद्युत हीटर में क्या, किस चीज का वायर लगा होता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का वायर लगा होता है ना। एक टर्म होता है जिसे मिश्र धातु जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु में कौन सा, नाइक्रोम, हिंदी में लिख देते हैं, क्लासेस हिंदी है तो नाइक्रोम हिंदी में लिख दे, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम आपने नाइक्रोम आप जानते होंगे है ना, आप ये भी जानते होंगे कॉन्स्टेंटिन होता है, कॉन्स्टेंटिन आप जानते होंगे, नाइक्रोम जानते होंगे, कॉन्स्टेंटिन जानते होंगे, साथ में आप ये भी जानते होंगे मैग्नीन के बारे में, ये सब आपके एलॉय होते हैं मैग्नीन। ठीक है, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ही उच्च होती है। ठीक है, बहुत ही उच्च प्रतिरोधकता वाले ये आपके आपके मिश्र धातु होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से,
टेम्परेचर बढ़ाने से कॉमनली माना गया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो ये जितने भी हमारे पास लिखे हुए हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया, मैग्नीन हो गया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनकी जो प्रतिरोधकता के मान जो होते हैं उसमें चेंजेस नहीं आता है, कोई परिवर्तन कुछ खास होता नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का। अब परिवर्तन नहीं होता उससे क्या फायदा है, जैसे हमने माना कि अगर हम कोई उपकरण ले रहे हैं और उसमें इसका यूज करने के लिए कोई हमने लगा दिया मटेरियल, ठीक है, और हमने माना है कि प्रतिरोध किसी का क्या आना है, 100 आना है। अगर टेम्परेचर 100 माना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर बढ़ा, तो आप जानते हैं चालक होगा तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम चाहते थे क्या कि प्रतिरोध क्या हो, 100 ओम के आसपास हो और हमको अच्छा करंट मिले, बढ़िया बेसिकली करंट क्या हो, ज्यादा मात्रा में मिले। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाएगा, मान लेते 105 ओम हो गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमको धारा क्या होगी, कम मिलने लगेगी, तो उसमें हमको नुकसान हो जाएगा, है ना। या फिर अगर अर्धचालक लेके चलते हैं तो अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध आपका घट जाता है। यहाँ पे क्या केस चलता है, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन में इनका टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन की बातें, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वहां अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, टॉपिक पे आ रहे हैं तुरंत, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि टीवी रेडियो ट्रांजिस्टर में आपको जो मिलता है, आपका जो आपका ये मिलता है ना प्लेट मिलता है, तो उस प्लेट में अंदर में छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, छोटे छोटे आपके ये है ना, और इसको वायर से ऐसे कनेक्ट किया रहता है, ध्यान से देखिएगा अगर आपके पास होगा तो, वायर से कनेक्ट किया रहता है और इसपे कलर बने होते हैं, छोटे छोटे बैंड जैसे बने होते हैं, बैंड। अब उन छोटी सी चीजों पे आपको प्रतिरोध अगर लिखना हो कि ये कितने प्रतिरोध का है तो आप कैसे लिखेंगे, लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए उस पर कलरिंग किया रहता है ना, कलरिंग किया रहता है। तो हमने यहाँ डिफाइन किया इसको कार्बन प्रतिरोध को, यह अधिक प्रतिरोध देता है, इसका मान जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा मतलब क्या, अब 50-100 नहीं होता है, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है ना, 1,00,000 तक भी हो सकता है ना, तो इसका प्रतिरोध का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। आकार में छोटे होने के कारण उनके ऊपर प्रतिरोध के मानों को अंकित करना क्या होता है, संभव नहीं होता है, साइज इतनी छोटी होती है कि उसमें प्रतिरोध का मान आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी को आपको दर्शाने के लिए कलर का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग रंग इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने लिखा है कि अतः उसके रेसिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को बताने के लिए क्या करते हैं, कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस को समझने के लिए आपको कलर का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको पता करना है कि हाँ ये जो हमारा मटेरियल उसमें लगा हुआ है, जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको कलर का ज्ञान होगा, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी चीज के बारे में, आपको किस कलर का मान क्या होता है, कौन सा कलर कितना वैल्यू देता है, कितना रेसिस्टेंस बताता है, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। एग्जाम में आपके बोर्ड के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में आपको दे दिया जाता है, क्वेश्चन लिख देगा कि एक उपकरण है ना जिसपे 3 कलर अंकित है ना, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन, तो बताइए इसका प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा, तो उसमें ऑप्शन बेस आपको सवाल पूछ दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले कलर का ज्ञान होगा तब ना, तब आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कितना किस कलर का वैल्यू कितना होता है, कौन से कलर का कितना वैल्यू होता है। जब तक आपको इसका ये नहीं होगा तो आप इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किस कलर का वैल्यू कितना होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उस कलर के बारे में, यानी किस कलर का कितना वैल्यू होता है, ठीक है, और हम जानेंगे कि इसको लिखा कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसे आराम से नोट कर लें या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी मेरी क्लासेस का आनंद ले सकें। तो चलते हैं आगे देखते हैं, अब बढ़ते हैं, हम जरा देखते हैं कि कैसा बैंड होता है, बैंड का जरा फिगर देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बजाएंगे उसका बैंड, ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे बैंड हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास उपकरण था, धातु उपकरण जो हमारा चालक है, उसका हमारा फिगर हमने बना रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, अलग अलग कलर दिखाए गए हैं। अब जैसे बताया ना मैंने आपको कि आपके बनेंगे छोटे से ऐसे फिगर, ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो आपके उपकरण में लगे होते हैं, तो इनमें अलग अलग कलर, अलग अलग बैंड बना के ऐसे दिखाया जाता है। ये कुछ ऑल कलर होगा, ये लाल होगा, ब्लू होगा, पीला होगा, नीला होगा, ऐसे करके होगा, है ना, अलग अलग कलर्स बने होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसा होगा जिसमें कलर्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, मिनिमम आपके 4 बैंड होते हैं किसी भी उपकरण के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बैंड बनाया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट बैंड,
यहाँ लिखा हमने सेकेंड बैंड, ठीक है, यहाँ हमने अगले वाले में लिखा है थर्ड बैंड, और यहाँ चौथे वाले में लिखा है फोर्थ बैंड। तो ये आपके पास चार बैंड अलग अलग मिलेंगे आपके कोडिंग किए हुए कलर से, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो घर आप जाके आराम से देख सकते हैं, अगर घर पे बैठ के देख रहे हैं, अगर आपके पास हो सहूलियत तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको समझ में भी आएगा कि उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो आपको वहां से पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ बैंड, सेकेंड बैंड, ये थर्ड बैंड, और ये आपका फोर्थ बैंड, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड जो है यहाँ हमने लिखा है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब होता है कि फर्स्ट बैंड से हमको क्या मिलेगा, अंक मिलेगा, ठीक है, कोई भी अंक, जैसे 2, 4, 6 जो भी होता है ना, जो आप अंक समझते हैं, तो आपको अंक मिलेगा, सिग्निफिकेंट नंबर मिलेगा। किस बैंड से? फर्स्ट बैंड से, ठीक है। अच्छा, सेकेंड बैंड जो है हमारे पास, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, आपको अंक ही मिलेगा। अंक यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है, आपको यहाँ से अंक प्राप्त होगा, कोई अंक प्राप्त होगा, जो वैल्यू होगा कलर का, जो वैल्यू होगा, तो कलर का वैल्यू अभी हम आपको लिख के बताने वाले हैं, तो यहाँ से भी अंक मिलेगा। थर्ड वाले बैंड में आपको मिलेगा डेसिमल मल्टीप्लायर। अब ये डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होता है, उसमें कुछ गुना होगा, बेसिकली मल्टीप्लायर होगा। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट बैंड से मान लेते हैं हमारे पास ये है आपका, जैसे लाल है ना, यहाँ पे आपको हरा है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे अगला वाला पीला है, ठीक है, ऐसा कुछ करके, अभी पूरा एडजेक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लाल हरा और पीला आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा है आपके पास, तो मान लेते हैं लाल के लिए हमारा नंबर आया 2, हरा के लिए आया 3, तो इसको हमने लिख दिया 23 लिख दिया, ठीक है। पीला के लिए मल्टीप्लायर, अब पीला के लिए मल्टीप्लायर, जो भी मल्टीप्लायर आएगा वो 10 के गुणज में आता है, ठीक है, मल्टीप्लायर जो होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, वो 10 के गुणज में आएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लायर का मतलब गुना, अब जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे लिखे, 10 के पावर मान लेते हैं 5 आ गया, तो हमने लिख दिया 10 के पावर 5, ठीक है। अब फोर्थ वाला बैंड जो होता है, हमने बताया क्या, थर्ड बैंड जो देता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर होगा, यानी जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। ये हमने लिख दिया, अच्छा ये समझ रहे, थर्ड मल्टीप्लायर जो डेसिमल मल्टीप्लायर दशमलव गुना। फोर्थ जो है वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब क्या, कि उसमें हमने जो, अगर हम बैंड की वैल्यू लिख रहे हैं, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उपकरण उसकी वैल्यू जो लिख रहे हैं, उसका रेसिस्टेंस लिख रहे हैं, हो सकता है हमको उसमें कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, है कि नहीं, तो उसको लिखने के लिए टॉलरेंस आता है, यानी उसकी सहता कितनी, उसमें कितनी त्रुटि हो गई, कितनी मिस्टेक हो गई। तो इसमें दो ही चीज होते हैं, एक तो आपका गोल्ड होता है, अगर लास्ट वाला कलर जो हो, चौथा नंबर वाला जो कलर होता है फोर्थ वाला, वो या तो गोल्ड होता है या तो सिल्वर होता है, दो ही चीज होते हैं, गोल्ड या तो सिल्वर, ठीक है, या फिर नो कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, नो कलर का मतलब आपको 3 ही कलर मिलेंगे, ठीक है, नो कलर। तो हम आपको बताएंगे जब आपको पूरा कलर कोडिंग का वैल्यू जब बताएंगे आगे अगला, ठीक है ना, अगले स्टेज में, तो गोल्ड के लिए कितनी होती है सहता, सिल्वर के लिए सहता कितनी होती है, और आपको नो कलर के लिए उसका टॉलरेंस का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बैंड को आराम से नोट करें, ठीक है, अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो वीडियो को पॉज कर लें और धीरे धीरे फिर से रिवाइंड करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैंड नंबर देता है, सेकेंड बैंड भी नंबर देता है, थर्ड बैंड देता है आपको गुना डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के घात में, ठीक है, और फोर्थ बैंड जो देता है वो सहता देता है, ठीक है। पहले आप इसे नोट करें, फिर हम उसका पूरा एग्जैक्ट डाटा आपको लिखते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे इसको कंप्लीटली रूप से। अगर आपको वीडियो अब पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके जुड़ सके हमारे चैनल से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया आपको जितने भी आपके डाटा होंगे कलर कोडिंग वाले, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके इतने सारे रंग होते हैं जो आपको मिलेंगे आपको उपकरण के ऊपर लिखे हुए, यानी रंग से पट्टी बनाए हुए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये उपकरण होता है, तो एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यहाँ पे बगल में, ठीक है। आप इसको इसके अंदर में मत लिखिएगा, ठीक है, आपको पूरा समझाते हैं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बेसिकली वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 कलर और ये आपका चौथा कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया रेड, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया आपको ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं गोल्डन, ये 4 हमने लिया होगा, ठीक है। चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले आप वैल्यू को समझिए। हमने आपको लिया सबसे पहले कलर, फिर लिया सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि आपको बताया था बैंड में क्या होता है, एक तो कलर होता है, सिग्निफिकेंट नंबर होता है, फिर होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, और उसके बाद होता है आपको टॉलरेंस, यही होता है ना, 4 चीजें होती है। अच्छा, अब कलर कौन कौन से होते हैं, कलर का एक क्रम है, ठीक है, आपको क्रम से ही कलर को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आप तुरंत याद कर सकते हैं, ठीक है। कलर को आपको एक क्रम में याद करना पड़ेगा, पहला ब्लैक यानी काला, ब्राउन, भूरा, रेड, है ना, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, उसके बाद में क्या है आपका ग्रे है,
व्हाइट है, गोल्डन है और सिल्वर है, ठीक है ना। ये आपका ग्रीन है और ये ग्रे है, ठीक है, दोनों में फर्क है, ग्रीन और ग्रे, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट नंबर का स्टार्टअप ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, फिर ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6। हमने ये जो तीर का चिन्ह दिया हुआ ना सामने से, यानी जिसके सामने है वही इसका आपको सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी जो अंक होगा उसके लिए वही होगा, ठीक है। व्हाइट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और गोल्डन के लिए 9, सॉरी व्हाइट के लिए 9, ठीक है। गोल्डन के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है, क्योंकि गोल्डन कहाँ पे होता है, गोल्डन आपको चौथे बैंड के लिए होता है, ठीक है ना। जो आपको बैंड होगा यहाँ पे देखो, चौथे नंबर बैंड के पास क्या है, गोल्डन है, ठीक है। तो गोल्डन के पास क्या होगा, आपको कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर भी नहीं होगा, होगा सिर्फ क्या, तो आपको सिर्फ टॉलरेंस होगा, ठीक है। गोल्डन के लिए टॉलरेंस होगा, तो कितना होगा टॉलरेंस, 5%, यानी जो भी कमी बेसी होगी वो 5% के आसपास होगी। अच्छा, दूसरा है सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये आपका 10% होगा, किसके लिए, सिल्वर के लिए। एक और थर्ड होता है, अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कलर दे ही ना, कलर दे ही ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तीन ही बैंड दिया, कलर नहीं दिया, यानी अगर कलर नहीं दिया तो हमने यहाँ लिखा तीसरे वाले के लिए नो कलर। अगर नो कलर की स्थिति होगी थी चौथे वाले बैंड में, चौथा बैंड आपके पास कलर नहीं होगा, तो उसके लिए सहता यानी टॉलरेंस का वैल्यू कितना होगा, 20% आप अपने से लिख देंगे अगर आपके पास वहां नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा चौथा बैंड होता है, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट नंबर सारे कलर्स के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा डेसिमल मल्टीप्लायर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डेसिमल मल्टीप्लायर जो होगा आपको 10 के घात में होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब दशमलव गुणक, ठीक है। अगर आपको हिंदी समझना है तो यहाँ लिख सकते हैं दशमलव गुणक, ठीक है, दशमलव गुणक होता है, ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब दशमलव गुणक। तो ये आपका ब्लैक के लिए 10^0, 10^0, आप ये भी समझते हैं कि 10^0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको घात में ही लिखा जाता है जनरली, इसलिए हमने 10^0 लिखा हुआ है। ब्राउन के लिए 10^1, रेड के लिए रेड के सामने 10^2, ऑरेंज के लिए 10^3, येलो के लिए 10^4, ग्रीन के लिए 10^5, ब्लू के लिए 10^6, वॉयलेट के लिए 10^7, ग्रे के लिए 10^8 और व्हाइट के लिए 10^9। गोल्डन और सिल्वर के लिए कोई डेसिमल मल्टीप्लायर आपके सामने नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा डिजिट, और इसको आपको याद रखना है। अगर आप इस पूरे डाटा को याद रखते हैं, डाटा याद करना बहुत सिंपल है, अगर आपको ये जो कलर है ना, कलर का आपको ये पता चल गया, क्या आपको बेसिकली कलर का जो है आपका पैटर्न पता चल गया कि कहां से स्टार्टिंग है, उसके बाद कौन है, तो आप इस डाटा को भी याद रख सकते हैं। अगर आप ब्लैक याद कर लिए तो ब्लैक में याद कर लिए सिग्निफिकेंट नंबर 0, डेसिमल मल्टीप्लायर 10^0, ठीक है। ब्राउन याद कर लिए तो ब्राउन का 1 होता है, उसका 10^1 हो जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा सा ट्रिक को देख लें, फिर हम बात करते हैं सवाल पे भी, ठीक है। ट्रिक जो होता है बहुत ही सिंपल ट्रिक है, यहां देख लेंगे, बी रॉय है ना, बहुत मजेदार है, बी रॉय, देखना जरा कितना कवर हो गया, बी से ब्लैक बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो, यानी 5 हमको याद हो गया, बी रॉय। अब पांचों के लिए हम डेसिमल मल्टीप्लायर भी याद कर लेंगे और सिग्निफिकेंट नंबर भी याद कर लेंगे। बी के लिए यानी बी ब्लैक के लिए 0, 10^0, ब्राउन के लिए 1, 10^1, आर के लिए रेड, सिग्निफिकेंट नंबर 2 और 10^2, ठीक है, ऑरेंज के लिए 3 और 10^3, येलो के लिए 4 और 10^4। तो ये आपको बीबी रॉय 5 आपको ये याद हो गए। उसके बाद होता है जी, है ना, इसके लिए हम लिखते हैं एक शॉर्ट टर्म है आपका याद करने के लिए, ग्रेट ब्रिटेन का आपने नाम सुना होगा, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं ना आपको लंदन, ग्रेट ब्रिटेन पूरा आपका जो इंग्लैंड है उस सब टोटल समूह को मिला के, 2-3 देश है उनको मिला के होता है आपको ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में देखो क्या क्या आ गया, यहाँ तक ग्रीन तक क्लियर था, ठीक है ना, आपको सॉरी येलो तक क्लियर था ना, तो जी से ग्रेट और बी से ब्रिटेन, तो ये जी से ग्रीन और बी से ब्लू, तो यहाँ से आपका कवर हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद अब ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, इनके भाई साहब की बहुत ही सुंदर सी वाइफ है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन की एक वाइफ है जिसका नाम है वेरी गुड, जो है बेसिकली नाम नहीं है, वो बहुत ही सुंदर है, वेरी गुड क्या है, वाइफ है, ग्रेट ब्रिटेन की जो है वेरी गुड वाइफ है, मतलब बहुत सुंदर वाइफ है, बीबी रॉय जो है
वो जनाब ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। बीवी रॉय कहाँ रहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में, यानी आपको इंग्लैंड में रहते हैं। और उनकी एक बहुत ही सुंदर सी वाइफ है, बहुत अच्छी सुंदर पत्नी है। बीवी रॉय के पास जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, वेरी गुड वाइफ है ना, उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छी है ना। अब देखिए जरा सा, बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, तो ये बीबी रॉय जी हो गए जो कहाँ रहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ग्रीन और ब्लू, ठीक है। और उनकी वाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो वी से वॉयलेट, जी से ग्रीन, आपका वाइफ से डब्लू, यानी बेसिकली आपको व्हाइट हो गया और वाइफ भी हो गई, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, इससे आप कलर याद कर सकते हैं। और जब आपको कलर याद हो गया, इसका पैटर्न याद हो गया, आपको प्रतिरोध लिखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे प्रतिरोध को लिखते हैं, समझिए जरा सा। ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है और ये गोल्डन है। इसका हमको लिखना है प्रतिरोध, बहुत सिंपल है। हमने लिखा आर, आर का ही मान लिखना है ना। रेड तो बी बी रॉय, तो आर तीन नंबर पे है, तो आर तीन नंबर पे है तो बी के लिए जीरो और ये बी के लिए वन और इसके लिए कितना? टू। तो देख लो रेड के लिए कितना है, डेसिमल मल्टीप्लायर टू, तो इसका लिख दिया हमने टू। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा ब्लैक, तो ब्लैक कहाँ है जी? ब्लैक स्टार्टिंग में है तो जीरो, यानी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ब्लैक के लिए जीरो, तो ये हो गया बीस। उसके बाद तीसरे वाले हैं ब्लू भैया, तो ब्लू किधर है? बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के पास ब्लू होगा ना। देखो यहाँ पे ब्रिटेन वाला पा वैल्यू है, जो लंदन आपको ब्रिटेन में रहते हैं ब्लू। अब ब्लू के सामने कितना है? छह। अगर आपको पैटर्न याद है तो वहां पे आप लिख रहे हैं छह। अब छह के क्या लिखना है? तीसरा वाला आपको लिखना है, अंक नहीं लिखना है, तीसरा वाला आपको डेसिमल मल्टीप्लायर लिखना है, यानी इसमें से देखेंगे। तो इसमें से छह के सामने क्या है आपका? छह के सामने दस का घात छह है, तो ये गुना करके लिखा जाता है दस का घात छह। अब ये क्या होगा? ये आपका हो गया प्रतिरोध, ये इसको यहाँ पे लगा देंगे ओम, तो ये हो गया बीस गुने दस का घात छह। अब समझ लो बीस गुने दस का घात छह कितना होता है? दस का घात छह तो अपने आप होता है दस लाख, इसमें गुना है बीस से, तो 20 दहा में 200, तो 200 लाख हो जाएगा। तो ओम बहुत बहुत ज्यादा प्रतिरोध निकल के आ रहा है ना। तो एक छोटे से आपको उपकरण के अंदर में बहुत बड़ा प्रतिरोध लिखा रहता है, ठीक है। तो आप उसको कलर आपको लिख के नहीं ना बताया जा सकता। आप मान लेते हैं कि इतना हो गया 20 और फिर इसमें 6 0 1 2 3 4 5 6, और इसको इस पे पैट कैसे लिखेंगे जी? छोटी सी चीज है, इतना जीरो कहाँ बैठाएंगे, इसलिए उस पर कलरिंग कर दिया जाता है। कलरिंग करना आसान होता है और उससे आपको पकड़ लेते हैं। तो ये आपका हो गया ओम। अब लास्ट में बचता है आपके सामने गोल्डन। गोल्डन क्या है? गोल्डन आपके पास है यहाँ पे है, और गोल्डन के लिए चौथे बैंड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चौथे बैंड के लिए आप टॉलरेंस का वैल्यू लिखते हैं। टॉलरेंस मतलब सहता, और सहता कितनी है इसके लिए? इसके लिए आपको है 5%। तो हो सकता है 5% ज्यादा हो या 5% कम हो, तो हम प्लस या माइनस लगा लेते हैं, प्लस या माइनस लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपको रेसिस्टेंस। अगर आपके पास कलर दिए हो अलग अलग 2 3 4 बैंड लगा के, और उसको कह दे कि बताइए रेसिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि बताइए एक ऐसा बैंड है जिस पे रेड ब्लैक और ब्लू और गोल्डन कलर अंकित है, ठीक है, गोल्डन कलर अंकित है, इसका प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, समथिंग समथिंग समथिंग। तो आपको जब पता रहेगा ये चीज तब ना लिखने पाएंगे। अगर आपको ये चीज पता नहीं रहेगा तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, यानी मुश्किल होगा आपको लिखने में। तो याद करना कैसे है? बीबी रॉय 5 याद हो गया, ग्रेट ब्रिटेन ये भी याद हो गया, वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी रॉय जी जो है वो कहाँ रहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, और उनकी वेरी गुड वाइफ है। यहाँ से आपका बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से क्या, ग्रे, और डब्ल्यू से वाइफ। और यहाँ से आपका सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा, और लिखने का तरीका आप सीख गए। अब आपके पास कोई भी डाटा होगा आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का कलर कोडिंग का आपका टोटल चैप्टर, ठीक है। और आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करें। अगर आपको मजा आया बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक, ताकि आपको मजा आ जाए, बेसिकली वो भी आप इस क्लास को आनंद ले सकें, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें या फिर इसे स्क्रीनशॉट कर लें। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका एक नंबर यहाँ से अगर हो सकता है एग्जाम में आए तो आपका पक्का है, अगर आप इस चीज को याद रखते हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। और लिखने का तरीका यहाँ है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप किताब में क्वेश्चन देखकर आप कोई भी प्रतिरोध का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में भी होगा बहुत ही धमाकेदार जैसे आज का सेशन रहा। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।